अन्नपूर्णा जयंती 2022 डेट। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की पूर्णिमा तिथि वाले दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। ये दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा मतलब ही है अन्नदात्री माँ की पूजा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से संकट के समय में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा से ही धरती पर अनाज की पूर्ति होती है, इसलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। माँ की पूजा करने से आपकी गरीबी दूर होगी और घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर 2022 को है। आइए जानते हैं, अन्नपूर्णा जयंती को इसी दिन माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। देवी में पार्वती का ही रूप है। अन्नपूर्णा देवी इनकी साधना और भोजन का सम्मान करने वाले व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है, इसलिए कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। कब है अन्नपूर्णा जयंती? अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर 2022 को है। अन्नपूर्णा जयंती का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह का शुभ मुहूर्त दिनांक 7 दिसंबर 2022 को सुबह 8:01 से लेकर अगले दिन यानी दिनांक 8 दिसंबर 2022 को सुबह 9:37 तक रहेगा। ऐसे में इस साल अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा जयंती की पूजन विधि। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूरे घर और रसोई की अच्छे से साफ सफाई करें। रसोई में गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें। माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करें। धर्म शास्त्रों में माँ पार्वती ही अन्नपूर्णा देवी बताई गई हैं। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा पूरे परिवार और समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन भूखों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। इस दिन अन्न का दान भी किया जाता है। अन्नपूर्णा जयंती का महत्व। कहा जाता है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद रहता है, वहाँ किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिसे पैसों की तंगी है और भोजन सही से नहीं मिलता है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का कृपा से अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा करें। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी अन्नपूर्णा का आह्वान करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देही च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम्। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके डैक का कारण थी। यह डैक उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर।
धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती बन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वो उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने कहा, यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वो उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से गई पूजा क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है में और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा ही कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ता को रख सुपारी या घृत कुमारी गुवार पाठ, वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है, सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं, देवांगनाएं चावर दुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिनवा पर बीज मंत्र लिख दिया, अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिनवा पर बीज मंत्र लिख दिया, अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही, माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति से उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा, जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का डैक उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, यह माता जी का प्रताप है।
जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई नए घर में। धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपन घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वो उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया, वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, एक कमेंट करके हमको जरूर बताना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके हमारे हनु एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।